तो ये गाइस आज का स्पेशल है चिकन 65। तो अभी इसकी कटिंग हो रही है, जो अच्छे जिसको चर्बी वगैरह लगी हुई है वो सब निकाल रहे हैं। अभी इसका धोना हो रहा है, साफ़ कर रहे हैं इसको, एकदम क्लीन हो जाएगा। क्लीन होने के बाद उसको उसका पानी एकदम नितारने के लिए 5 मिनट के लिए रखेंगे। ये आप देख सकते हो पानी एकदम क्लीन हो गया। अभी इसके अंदर अंडा डाल रहे हैं फोड़ कर। अभी सब उसमें मसाले वगैरह सब मिक्स करेंगे। ये कॉर्नफ्लोर का आटा है, कॉर्नफ्लोर के आटे से इसको उसमें कुरकुरा पना आता है। और अभी डालेंगे स्पेशल मसाला, चिकन 65 का स्पेशल ये मसाला है, जिसकी वजह से जो चिकन है एकदम इसमें टेस्ट आता है और फुल एकदम लाल होता है पूरा। बहुत ही अच्छा और टेस्टी मसाला है ये। अभी इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ये मिक्स किया है साथ में उसके, इससे और उसकी जो टेस्ट है और बढ़ जाएगा। मसाला अभी और थोड़ा सा ऊपर से और डाल रहे क्योंकि उसमें कुछ क्रिस्पीपन आ जाए। हाँ, आप देख सकते हो चिकन का कलर कैसा हो गया है, अभी फुल एकदम रेड कलर में। बहुत ही टेस्टी, खाने में भी उतना ही टेस्टी लगेगा। अभी उसको हम 15 मिनट के लिए रखेंगे। फिर 15 मिनट हो गए, 15 मिनट के बाद अभी हम उसको तेल में फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। अभी ये तेल में एक 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 चिकन जा रहा है। फिर उसको 15 मिनट से 20 मिनट तक उसको तेल में हम फ्राई करेंगे अच्छे से तैयार होने के लिए। एकदम जब कुरकुरा हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, फिर उसको हम तेल में से निकालेंगे और हमें खाने के लिए रेडी हो जाएगा। ये अभी तेल में चले गए, तेल में मस्त। तो ये अभी फ्राई हो रहा है, ये मिनिमम इसको 20 मिनट तक रखेंगे फ्राई होने के लिए, 15 से 20 मिनट तक। तो ये जैसा अच्छा लाल हो जाएगा, कुरकुरा हो जाएगा, तो हम इसको तेल में से निकाल लेंगे। और सबसे पहले कढ़ाई में एक पेपर रखना है, फिर उसके ऊपर ये चिकन 65 चिकन डालना है। जो तेल होता है उसका ये पेपर ये चूस लेता है, इसलिए। तब ये खाने के लिए है रेडी।